हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि एमएस वर्ड के अंदर हम कैसे हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरलिंक कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसे एडिट कर सकते हैं या कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं। और हाइपरलिंक के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक, आपका फाइल को आपको अगर लिंक करना है किसी भी वर्ड या किसी भी फाइल के साथ, या आप पिक्चर को कैसे लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको कोई भी आपकी जो भी फाइल है वो उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक टैक्स लिखा इक्वल RAND करके, हमने एक यहाँ पर टैक्स ले लिया। अब जिसके ऊपर आप लिंकिंग करना चाहते हैं, किसी वर्ड के ऊपर या पूरे पैराग्राफ के ऊपर या पूरी लाइन के ऊपर, तो जो भी आप चाहें उसके ऊपर आप लिंक कर सकते हैं। तो हमने एक वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर वीडियो वर्ड को सेलेक्ट किया। वीडियो वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है इंसर्ट बटन पर, जो कि इंसर्ट टैब है, आपको ऊपर दिख जाएगा। आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको आ जाना है हाइपरलिंक पर, जो कि लिंक वाले ऑप्शन में है। हाइपरलिंक पर क्लिक करना है, यहाँ से आपकी फाइल की लिस्ट खुल जाएगी, जो भी फाइल आप अटैच करना चाहते हैं यहाँ से उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लेना। चाहे आप वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो या किसी भी टाइप की फाइल हो, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो जो है ब्लू कलर में आ गया और अंडरलाइन आ गई है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करते हैं, यस करते हैं, तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी जो भी आपने इसके साथ लिंक किया है। इसी लिंकिंग को आप एडिट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इसी वर्ड के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक किया। एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी फाइल अब दूसरी अटैच करनी है, तो आप इसके साथ दूसरी फाइल को अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके थ्रू आप किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर की फाइल को अटैच कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने यहाँ पर फाइल को अटैच किया और ओके किया। ओके करने के बाद वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्रेस करने के बाद, यस पर क्लिक करने के बाद, तो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। अब हमारा जो थर्ड तरीका है कि पिक्चर को हम कैसे हाइपरलिंक के थ्रू ऐड कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना है, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करना है या आप उस पर से हाइपरलिंक को हटाना चाहें तो रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने किसी भी वर्ड को सेलेक्ट किया, हमने वीडियो वर्ड को दोबारा से सेलेक्ट किया, वापस आपको हाइपरलिंक पर आना है, हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपकी जहाँ भी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, आपको वो लोकेशन पर जाना है। अब जैसे कि देख सकते हैं, हमारे जो वॉलपेपर्स हैं, हमने यहाँ से कोई भी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको ओके पर प्रेस करना है। ओके पर प्रेस करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है, देन आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी जो पिक्चर है वो ओपन हो जाएगी। ये था हमारा हाइपरलिंक, पिक्चर को कैसे हम लिंक कर सकते हैं किसी भी वर्ड के थ्रू या किसी भी लाइन के थ्रू, आप उसे लिंकिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसे रिमूव हाइपरलिंक पे कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर हाइपरलिंक के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली आप सारी वीडियोज़ को भी देख सकें।